बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंक्वायरी लेटर कि इंक्वायरी लेटर क्या होते हैं और ये हम किस वक्त भेजते हैं या इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इंक्वायरी लेटर को डिस्कस करते हैं। अ लेटर विच इज़ रिटन टू ऑब्टेन द वेरियस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंक्वायरी लेटर, यानी वो लेटर जो हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए दरियाफ्त करने के लिए लिखें तो उस लेटर को उस ख़त को हम इंक्वायरी लेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी है तो आप डिफरेंट कंपनीज़ को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में आप उन प्रोडक्ट्स की प्राइस के बारे में पूछते हैं कि आप मुझे जो प्रोडक्ट्स है जो आप परचेज़ करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट्स की प्राइस बता दें। तो अब बेसिकली चूंकि आप इसमें इंक्वायर कर रहे पूछ रहे हैं तो ये लेटर जो है इसको हम इंक्वायरी लेटर कहेंगे। इसी तरह तमाम लेटर जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जब आप पूछेंगे दरियाफ्त करेंगे तो उन तमाम लेटर्स को हम इंक्वायरी लेटर कहेंगे। अब इसकी हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ है कि जब आप एक लेटर लिखें इंक्वायरी तो उसमें आपके पास ये खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी है हमारे पास ब्रीफनेस, यानी आपका जो लेटर है वो मुख्तसर होना चाहिए। उसमें जितनी भी नेसेसरी और रेलिवेंट डिटेल है वो आपने अपने लेटर में इंक्लूड करनी है और जितनी भी अननेसेसरी या इरेलीवेंट जो डिटेल है वो आपने अपने लेटर में इंक्लूड नहीं करना। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास है कम्प्लीटनेस, आपका जो लेटर है वो हर लिहाज से कम्प्लीट होना चाहिए ताकि जो रीडर है जब वो उसको रीड करे और उसको ये समझ आए कि ये मुझसे जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है ये चीज़ किस चीज़ के बारे में मांग रहा है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है क्लियर, बेसिकली यहाँ पे क्लियर से मुराद है कि आपका जो लेटर है वो वाज़े होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जो लेटर है वो जो है क्लियर नहीं हो गया, उसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो जो रीडर है वो उसको उस सेंस में जिस सेंस में आपने उसको लेटर लिखा है तो उस सेंस में वो उसको रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो आपको जब रिप्लाई करेगा तो उसको रिप्लाई करने में डिफ़िकल्टी होगी। अब चौथे नंबर पे हमारे पास है करेक्टनेस, यहाँ पे करेक्टनेस से मुराद है कि जो आप लेटर लिख रहे हैं उसमें आप अगर वर्ड्स जो लिख रहे हैं जो नेम्स हैं या फिगर्स हैं या एड्रेस वगैरह वो सारे जो है ठीक होने चाहिए, यानी मिस स्पेल उसमें नहीं होने चाहिए, फिगर्स में कोई आपकी जो है कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो रीडर्स है वो उसको जो है समझ नहीं पाएगा और मे भी हो सकता है कि वो आपको उसका जो रिप्लाई करे तो वो मे भी नेगेटिव हो सकता है। अब लास्ट में हमारे पास है कर्टेसी एंड पोलाइट, बेसिकली यहाँ पे कर्टेसी एंड पोलाइट से मुराद है कि जब भी आप अपने लेटर को लिखें तो अपने लेटर को फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखें ताकि जो आपका रीडर है जब आपके लेटर को रीड करेगा तो उस पर जो इम्प्रेशन होगा वो पॉजिटिव पड़ेगा और जब वो आपको रिप्लाई देगा तो उसका रिप्लाई या फीडबैक भी पॉजिटिव होगा। अब आप कर्टेसी के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिस तरह प्लीज़ एंड काइंडली वगैरह, तो इन वर्ड्स को यूज़ करने से जो आपका रीडर है उसका भी जो रिप्लाई होगा वो भी फ्रेंडली लैंग्वेज में होगा और जिससे रिजल्ट उसका पॉजिटिव निकलेगा। अब ये बेसिकली पांच क्वालिटीज़ है हमारे पास इंक्वायरी लेटर की, यानी जब भी आप इंक्वायरी लेटर लिखेंगे तो आपके इंक्वायरी लेटर्स में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए।